हेलो दोस्तों, आज काबली चना और आलू का सब्जी बनने वाला है। देखिए, अब हम इसे धोकर बॉईल कर लेंगे। हल्दी डाल दिए हैं, अब हम नमक डाल देंगे थोड़ा। उसके बाद हम कुकर को बंद करके गैस पर चढ़ा देंगे। कुकर बैठा दिए हैं, अब 3 सीटी लगेगा, 3 सीटी में बॉईल हो जाएगा। ये देखिए दोस्तों, बॉईल हो चुका है। देखिए बॉईल हो गया है, आलू बॉईल हो गया है। अब हम इसे निकाल लेते हैं। ये देखिए, इसे हम निकाल लिए हैं एक बर्तन में। ये देखिए मसाले में क्या पड़ेगा, सौंफ, लाल मिर्च, जीरा और धनिया, ये सभी को हम भून लेंगे। इन सभी को हम अच्छी तरह से भून लेंगे। इस सब्जी में खास मसाला यही है, ये मसाले से सब्जी का इतना अच्छा टेस्ट आएगा कि आप भूल नहीं पाइएगा दोस्तों। बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इसका। इसे हम भूज कर और दरारा और महीन नहीं करना है, इसे मोटा ही पीस लेना है। ये देखिए दोस्तों, मसाला भुज आ गया है। अब हम इसे ठंडा होने के लिए रख देते हैं, ठंडा हो जाएगा फिर हम इसे पीस लेंगे। ये देखिए दोस्तों, इस तरह से मोटा मसाला को हम पीस लेना है। ये देखिए, ज़्यादा महीन नहीं करना है, इसे मोटा ही रखना है दरारा। और ये सब्जी में क्या पड़ेगा, ये देखिए प्याज, हरी मिर्च, टमाटर, अदरक, लहसुन, धनिया पत्ता। अभी हम इसे प्याज को फ्राई कर लेते हैं। पचफोरन में क्या पड़ेगा, चलिए देखिए, कढ़ाई में तेल डाल दिए हैं, अब हम इसमें जीरा डालेंगे। लवंग, दालचीनी ये डालेंगे, तेज पत्ता डालेंगे, अब हम इसमें हींग डालेंगे। सभी चीज़ों को अच्छी तरह से भून लेंगे। भुना गया है, अब हम इसमें प्याज डाल देंगे। सभी को हम अच्छी तरह से भून लेते हैं, लाल कर लेंगे। गुलाबी हो गया है, अब इसे हम और थोड़ा भून लेंगे। प्याज भुजा गया है, अब हम इसमें लहसुन आधा का पेस्ट डाल देंगे। इसे हम भूज लेंगे। लहसुन आधा भुजा गया, अब हम इसमें टमाटर डाल देंगे। टमाटर डाल देंगे, अब हम इसे भूज लेंगे। हल्दी और गूढ़ा लाल मिर्च पाउडर डाल दिए हैं इसमें, अब हम इसमें नमक डाल देंगे। नमक डाल दे रहे हैं, टमाटर जल्दी गल जाएगा। थोड़ा सा पानी डाल दिए हैं, अब हम मसाले को अच्छी तरह से भून लेंगे।
अब हम इसी जगह भुजा हुआ मसाले डाल देंगे। ये देखिए मसाला अच्छी तरह से भुजा गया है। अब हम इसमें बॉईल किया हुआ ये काबली चना आलू हम इसमें डाल देंगे। अब हम इसमें काला नमक डाल देंगे। अब हम इसे अच्छी तरह से फैला देंगे। ये देखिए इसका कलर कितना अच्छा आया है। और इसमें और कोई मसाला नहीं पड़ेगा, वही जो भुजा हुआ मसाला था वही पड़ेगा। उससे टेस्ट इतना अच्छा आता है कि आपको बार बार बनाने का मन करेगा। ये सब्जी बहुत ही टेस्टी लगता है दोस्तों। अब हम इसमें पानी थोड़ा डाल देंगे। इसमें आमचूर पाउडर नहीं हो तो आप चाट मसाला भी इसमें डाल सकते हैं। मेरे पास चाट मसाला आमचूर पाउडर नहीं है तो आप इसमें आमचूर पाउडर चाट मसाला इसमें डाल सकते हैं। अब हम इसमें गरम मसाला डाल देंगे। अब हम इसे 2 मिनट के लिए अब हम ढक्कन को खोलकर सब्जी को देख लेते हैं। ये देखिए दोस्तों अब हम इसमें धनिया पत्ता डाल देते हैं। ये देखिए दोस्तों कितना अच्छा कलर आया है। ये खाने में उतना ही बहुत टेस्टी लगता है। इसे आप पराठा रोटी नान किसी के साथ में आप खा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी लगता है। इसे आप बार बार बनाकर खाइएगा, बहुत ही टेस्टी लगता है दोस्तों। इसे आप एक बार ज़रूर बना के खा कर देखें और आप अपने फैमिली में इसे शेयर करें। ये देखिए